गुड मॉर्निंग सर, मैं पीयूष शर्मा, इनोवेंटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सूरत से। आज सूरत में एक फार्म में आया हूँ और मेरे साथ किसान है हितेश जी। ये इनका बहुत ही अद्भुत फार्म है ड्रैगन फ्रूट का। तो इन्होंने हमारी एग्रोशिया ट्रेलिस वायर यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन का जो सेकेंड ईयर है और वायर लगे हुए का तीसरा साल है। तो हितेश जी, ये बताइए कि क्या क्या फ़ायदे हुए, क्योंकि आपने शायद रिंग में भी लगा रखा है और ये ट्रेलिस में भी है। तो किसानों को क्यों ट्रेलिस में जाना चाहिए और ट्रेलिस के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो थोड़ा आप मार्गदर्शन कीजिए हमारे सब किसान भाइयों का। ट्रेलिस में एक एकड़ में 4,000 पौधे लगते हैं और रिंग सिस्टम में एक एकड़ में समझो कि 1600 प्लांट लगते हैं। ठीक है, तो मतलब ज्यादा प्लांट्स लगे तो ज्यादा प्रोडक्शन आता है। ठीक है, टेलिस में प्लांट ज्यादा लगते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। ओके, और मेन दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सभी किसान का यही प्रॉब्लम है कि वायर झुक जाता है दोनों तरफ से। लेकिन दोनों तरफ का दो सपोर्ट लगाना जरूरी है। जैसे कि ये आपने यहाँ पे लगा रखा, मैं देख रहा हूँ। हाँ। अंदर की तरफ से एक पोल का भी सपोर्ट है, बाहर की तरफ से ये आप, मैं देख रहा हूँ, आपने जीआई पाइप का सपोर्ट दे रखा है। तो ये तो किसान भाई जिनके पास जीआई पाइप नहीं है तो वो जीआई वायर सीमेंट का पोल लगा सकते हैं और जीआई वायर रोप लगा सकते हैं ना यहाँ पे। तो एक तो फायदा हो गया आपका प्रोडक्शन का, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपने बताया जो सिस्टम झुक जाता है उसके लिए इस तरह सपोर्ट देना, दोनों तरफ सपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, एक और चीज मुझे आपसे हितेश भाई समझनी थी। जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपकी ग्रोथ बहुत अद्भुत आई हुई है, तो इसके अंदर जो है कोई बीमारियां भी आती होंगी, तो बीमारियों को मैनेज करना, फंगस का प्रॉब्लम आता है तो फंगस जैसे प्रॉब्लम्स को इजीली ट्रेलिस में मेंटेन इजीली किया जा सकता है, फंगस पे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो वही थोड़ा और आपने क्या कैसे इसको मेंटेन किया जो रिंग में तकलीफ आती है और इसमें जो फायदा होता है मेंटेन करने का, वो भी बताइए सर। ये अभी समझो कि दोनों तरफ झिकझिक में, दो फीट पे झिकझिक में प्लांट लगाया है। फॉयलर्स पे दोनों तरफ हो सकता है। ओके, और प्रोडक्शन में तो हार्वेस्टिंग में भी अच्छी तरह आ सकता है। हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है, अच्छी तरह कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ड्रिप है, सभी इरिगेशन और फर्टिगेशन ड्रिप में जाता है, सारा इरिगेशन आपका फर्टिगेशन ड्रिप में जाता है। पहले मुद्दे की बात ये है कि दोनों तरफ फॉयलर्स पे अच्छी तरह कर सकते हैं जो हम लोग रिंग में नहीं कर सकते। रिंग में एक और चीज जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्ट में, ये आपका सेकंड वाला ईयर जो है प्रोडक्शन का और थर्ड ईयर हमारी वायर का। तो आपका लास्ट ईयर कितना प्रोडक्शन आया था और अब कितना आएगा एक्सपेक्टेड? फर्स्ट ईयर में 7500 आया था, 60 टन। और ये आपका कितना फार्म है टोटल एरिया? एक एकड़ के करीब है। और इस साल कितना एक्सपेक्टेड? इस साल 12 टन की, मतलब सेकंड ईयर मिनिमम 12 टन तो आएगा। अभी बर्डिंग ऐसा लगा 12 टन तो आ जाएगा, 12 टन आ ही जाएगा। और एक प्रोडक्शन का फायदा हो गया, इसे जो है मेंटेन करना भी बहुत इजी हो गया, मेंटेन करना इजी है कंपैरेटिवली रिंग से। रिंग में क्या तकलीफ आती थोड़ा वो भी हमें बताइए। रिंग में तो एक तो पहले प्रूनिंग अच्छी तरह नहीं कर सकते, प्रूनिंग नहीं हो सकती, बीच में से जो निकलना है का है सब गुच्छा बन जाता है, तो इसमें निकालने का स्टिक निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इधर इसमें वायर के नीचे की स्टिक सब निकाल देते हैं, तो वायर के नीचे, मतलब वायर के नीचे जाके आप। और इस साल हमने प्रूनिंग करने के बाद हमने 40,000 प्लांट बनाए। 40,000 प्लांट भी बनाए इस साल आपने? अरे वाह। तो ये आपकी वैरायटी कौन सी है? थाईलैंड रेड है, थाईलैंड रेड। और एवरेज इसका साइज क्या बनता है? साइज 1 किलो में 4 या 3 या 4। 3 या 4, मतलब 300-350 ग्राम से लेके 250-350 ग्राम के बीच। तो कहने का मतलब है किसान भाइयों को तो फिर ट्रेलिस में ही जाना चाहिए, ट्रेलिस में ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक चीज के पहले धन्यवाद तो मैंने कर दिया, एक अपना रिंग वाला जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी थोड़ा बताइए। हितेश जी, हम लोग जैसे रिंग की बात करें तो रिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ा आप बताइए हमारे किसान भाइयों को। रिंग में तो पहले से तो ये ग्रोथ कम आता है, स्टिक का ग्रोथ कम आता है, दोनों तरफ ग्रोथ कम आता है। ठीक है, दूसरा इसे मेंटेन करना, प्रूनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। इधर से ना ये गुच्छा हो जाता है नीचे बीच में, और इसे स्टिक को निकालने में बहुत प्रॉब्लम आता है। और टेलिस में वायर के नीचे की तरफ का प्रूनिंग करके चला जाने का, उसमें इजीली प्रूनिंग हो सकता है, नहीं कर पा रहे। तो ये और प्रोडक्शन भी कम आता है इसमें, तो प्रोडक्शन का भी नुकसान हो गया, उसके बाद मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो गया। पुरानी स्ट्रिक निकलने का है ना, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने से, बीपर जो वाला तूफान आया था,
तो रिंग और ये रिंग और ट्रेलिस में कोई तकलीफ आई? रिंग में जैसे काफी लोड आता है तो कोई रिंग थोड़ी ये झुक जाती है, रिंग तूफान के वक्त झुकी, वो एक साइड वजन ज्यादा आ जाता है, जरा टैलिस में दोनों तरफ वजन मेंटेन होता है, यूनिफॉर्म लोड होता है। मतलब बीपर जो है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं टैलिस में कि लेफ्ट साइड का राइट साइड में करते हैं, राइट साइड की स्टिक लेफ्ट साइड में करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड हो जाता है। इसमें ये इधर का स्टिक उधर, समझो कि ये स्टिक ये रिंग झुक गया है इधर से, तो हम इधर इसके ये सभी स्टिक इधर नहीं ला सकते, तो लॉन्ग टर्म में तो ये गिर जाएगा, लॉन्ग टर्म में गिर जाता है। जो किसान ने मेहनत की है वो तो तकलीफ, रिंग में तो प्रॉब्लम है ही, थोड़ा रिंग झुकने का प्रॉब्लम है। बीपर जो है तूफान के अंदर अपनी कोई ट्रेलिस में कोई तकलीफ आई? टैलिस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जगह झुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झुकने का या कोई वायर अपनी टूटी या कुछ इतनी नहीं, हवा चली 26 से 30 जून के बीच, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो किसान भाइयों, आपने ये पूरा देखा ट्रेलिस वर्सेस रिंग का भी और बिपर जॉय का भी, कि उससे भी कोई तकलीफ नहीं आई। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सारी हम जो मेहनत कर रहे हैं ये प्रोडक्शन को लेकर कर रहे हैं, कमाई को लेकर कर रहे हैं, तो जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है और इजीली मेंटेन कर प्लांट, तो उसमें टैलिस में ही ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन तो इसमें ही ज्यादा आएगा, क्योंकि तो इसमें क्या 4 स्टिक लगती है, बीच में 8 फुट का गैप रहता है और वो हम लोग गैप से वायर के ऊपर भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, ट्रेलिस की ओर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमाई कीजिए। ठीक है।